जय श्री राधे। आप सभी मेरे फैमिली मेंबर्स को देव उठैनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज देव उठेंगे, आज का जितने भी मांगलिक कार्य हैं सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। और आज का जो मैं आपको अद्भुत प्रयोग आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इस प्रयोग से मांगलिक कार्य तो चालू हो रहे हैं पर मांगलिक कार्य के लिए धन की भी आवश्यकता होती है। और आपका हमेशा धन बना रहे, धन आता रहे, धन की कभी कोई कमी ना हो, मैं हमेशा यही चाहता हूँ। मेरे फैमिली का एक एक मेंबर, मेरे फैमिली का एक भी मेंबर कभी दुखी ना रहे, कभी परेशान ना रहे, कभी हैरान ना रहे, कभी उसे किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। क्योंकि आपको यदि कष्ट होता है तो कष्ट सीधे मुझे होता है। मैं सदैव यही चाहता हूँ कि मेरे फैमिली का प्रत्येक मेंबर खुश रहे, आनंद में रहे, स्वस्थ रहे, कर्जा मुक्त रहे, निरोग रहे, धन धान से भरपूर रहे, सुख सुविधाओं से भरपूर रहे। इसलिए मैं आप लोगों के लिए अद्भुत उपाय लेकर के आता हूँ, अद्भुत प्रयोग लेकर के आता हूँ। आप पूर्ण श्रद्धा विश्वास से उपायों को प्रयोग करिए, आपको निश्चित ही बहुत ज्यादा लाभ होगा और अद्भुत लाभ होगा। और मैं सदैव यही चाहता हूँ कि आपको अद्भुत लाभ हो। और मैंने आप लोगों से बार बार बोला है कि आपके जीवन में जो विभिन्न प्रकार की परेशानियां चल रही हैं, विभिन्न प्रकार की दिक्कतें चल रही, विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनका कारण है आपके कुंडली में स्थित ग्रह। जब तक आप जानेंगे नहीं कि कौन सा ग्रह आपको दिक्कत कर रहा है, कौन सा भाव भावेश आपको दिक्कत कर रहा है, जब तक आप उन पे उपाय नहीं करेंगे तब तक आप अपनी जिंदगी में चैन से नहीं बैठ पाएंगे, ग्रह आपको दिक्कत करते रहेंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी आप कुंडली दिखाइए। कुंडली दिखवाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। कुंडली देखने के लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम, अपना नाम आप मुझे व्हाट्सअप करिए। आपका अपनी डिटेल नहीं है तो अपने बच्चे की डिटेल आप मुझे व्हाट्सअप करिए। छोटी सी सेवा राशि रखी गई है, ज्यादा बड़ी सेवा राशि नहीं रखी गई है, छोटी सेवा राशि रखी गई है। वो सेवा राशि जमा करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, फिर मैं स्वयं आपको कॉल करूंगा और सब कुछ आपको बताऊंगा किस ग्रह के कारण दिक्कत आ रही है, किस भाव भावेश के कारण आपको दिक्कत आ रही है, कौन से दोष के कारण आपको दिक्कत आ रही है, कैसे दिक्कत दूर होगी, क्या क्या आपको करना पड़ेगा। और मैं जो भी उपाय बताता हूँ वो घरेलू उपाय बताता हूँ, नॉर्मल उपाय बताता हूँ जिनमें एक रुपया आपका खर्च नहीं होना है। आराम से घर में रह करके बिना समय गवाए, बिना धन खर्च किए आराम से उपाय करके अपने जीवन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। एवरीथिंग इन योर हैंड, सब कुछ आपके हाथ में, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, चिंता नहीं करनी, किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। कुंडली दिखाइए, उपाय करिए और मैं जो भी उपाय बताता हूँ इसका उपाय करिए, सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएंगी। आप बिल्कुल निश्चिंत निष्फिक्र होकर के रहिए, बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। इसलिए अपनी कुंडली आप लोग सबसे पहले दिखाइए यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सारी आपके जीवन से दूर हो जाए। और जो मैं यंत्रों की पूजा मंत्रों का जाप बताता हूँ, मैंने बार बार बोला है यंत्रों की पूजा मंत्रों का जाप यदि आपने कर लिया डेली 10 मिनट का समय देने तो आप राजा बन जाएंगे। राजा बनने से कोई आपको नहीं रोक सकता। राजा का मतलब ये होता है कि आप प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे, राजा का मतलब ये होता है कि आप सर्व सुविधा संपन्न हो जाएंगे, आपके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, जो आप चाहते हो आपको सब कुछ प्राप्त होगा। अब मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूँ एकादशी का, वो एकादशी का उपाय ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ही सुंदर उपाय है। देखिए एकादशी आज भी है और कल भी है। आज सुबह से एकादशी प्रारंभ हो गई है 5:30 बजे से, अगले दिन कल रहेगी 6:30 बजे तक, और कल फिर शुरू से एकादशी मानी जाती है, जो मानते हैं ना भोर से एकादशी जो तिथि से आ जाती है, सुबह सूर्य उदय तिथि एकादशी है वो कल से मानी जाएगी। तो आज भी एकादशी है और कल भी एकादशी है। कल आज भी उदय तिथि की ही है समझ लीजिए, कल भी उदय तिथि में ही समाप्त हो रही है 6:30 बजे के लगभग, तो कल की भी उदय तिथि की ही एकादशी मानी जाएगी। दोनों दिन एकादशी आप आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं। बहुत लोग स्मार्ट लोग आज मना लेते हैं, वैष्णव लोग कल करते हैं, तो इस हिसाब से आपको जैसा लगे आप कर सकते हैं। आपको करना क्या, आपको लानी कच्ची हल्दी, हरी हल्दी होती है जो कच्ची हल्दी, उस हल्दी को आप ले आइए अपने पास। हल्दी को लाने का आपको लेना है कोई ब्लू कलर का पेन, ब्लू कलर का आप कोई पेन ले लीजिए। उसका उस हल्दी में आपको कौन सा नंबर लिख देना है, 19751। आप कच्ची हल्दी ले आइए, हरी हल्दी होती है कच्ची, छोटा सा टुकड़ा ले आइए, उसको कर लिखना है उसमें 19751। इसको आपको लिख देना है। लिखने के बाद आपको अगर छोटा सा लाल कपड़ा, लाल कपड़े में लपेट करके अपने पर्स में रख लीजिए या अपनी तिजोरी में रख लीजिए, अपने धन के स्थान में रख लीजिए। आप देखेंगे अद्भुत प्रयोग है, इस प्रयोग को आप कर लीजिए, धन की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, चारों तरफ से धन आएगा, कहीं धन फंसा हुआ है वो भी धन आ जाएगा, सब तरीके से धन आपको प्राप्त होगा ही होगा और आपके जीवन में सुख ही सुख आ जाएगा। अपनी कुंडली आप लोगों से दिखाइए और उपाय पूर्ण श्रद्धा विश्वास से करिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं, आप सभी हमेशा खुश रहें, आनंद में रहें। राधे राधे।